असुरराज और देवी पौल में देव सेना से युद्ध में पराजित भी हुई है। इसलिए असुरराज और देवी पौल में अनिश्चित काल के लिए कारागृह में डाला जाता है। जाओ जाकर संतोषी के प्राण ले लो। संतोषी बचो। अब मैं अपना काम भी पूरा कर लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आंटी आप यहाँ क्या कर रही हो? ये तो देवराज इंद्र के आने का संदेश प्रतीत होता है। देवी पौलमी के कारागार जाने की सूचना से ही उनका आगमन हुआ। दादी अपना ख्याल रखिए। बेटा तुम भी अपना ध्यान रखना, हमें बहुत चिंता है तुम्हारी। भला हो इस छोटी बच्ची का जिसने कल रात दक्षा को देख लिया, वरना बेटा पता नहीं क्या हो जाता। देखिए मेरे होते हुए आपको संतोषी की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं यहाँ पे। हम जानते हैं जुमाई बाबू, आप है ना संतोषी का ख्याल रखने के लिए। एक मिनट पुष्पा, पुष्पा सामान लेकर आओ। बस लग गए यहाँ पे, ठीक है। बोलो। अरे बाबू इसकी क्या जरूरत है, रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं ले लेते, आप इतने प्यार से लाए हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। खुश रहो संतोषी माँ, तुम्हारी झोली में सारी खुशियां भर दे। समधी जी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। अब तो संतोषी माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि इस घर में इसी तरह उत्सव बनते रहे और हम हमेशा इसी तरह आते रहे। चिंता मत करिए, हर उत्सव में हम आपको बाकायदा बुलाते रहेंगे। रुद्राक्षी अब तुम अपनी बड़ी नानी के यहाँ जल्दी से आना। हाँ नानी, मैं आपके पास चल बेटा, अब हम चलते हैं। जी। ए गुड्डू बेटा, शर्मिली एक काम करो, तुम लोग जो है ना दादी को लेके जाओ, हम लोग कुछ दिन रुक के आएंगे। वो क्या है ना कि हेरे बाबू बहुत परेशान रहे हैं, हम जो है यहाँ रुक के उनके काम काज मदद कर देंगे और ये माधी जो है घर का काम काज देख लेगी। हाँ, है ना। हाँ, हम आते हैं कुछ दिन में। हाँ, और वैसे भी धैर्य बाबू के सबसे करीबी रिश्तेदार तो हम ही लोग हैं ना, है कि नहीं? जी। अच्छा बेटा अब हम चलते हैं, अपना ध्यान रखना बेटा। जल्दी आएंगे हम लोग मिलने आपसे। देवऋषि देवराज इंद्र के साथ क्या कर रहे हैं? प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणिपात ब्रह्मदेव। कृपा करके देव सभा में शांति बनाए रखे।
देवराज इंद्र, आप अकस्मात यहाँ और अपनी संपूर्ण सेना के साथ। ब्रह्मदेव, इस सभा ने ऐसा कुछ किया है जिसके कारण स्वयं हमें यहां आना पड़ा। देवऋषि, आप ही संपूर्ण व्याख्या बताएं। अवश्य इंद्रदेव। प्रजापति, देवी पौलमी, असुरराज, आप दोनों अपने प्रतिशोध के भावना के कारण आज इस कारागार में बंदी बने हुए हैं, और इतना सब कुछ होने के पश्चात भी आप दोनों के प्रतिशोध की ज्वाला कम नहीं हुई। देवर्ष, आपके हतोत्साहित कर देने से हम अपना निर्णय परिवर्तित नहीं करेंगे। इस समय तो आप दोनों कारागार में बंदी बने हुए हैं, तो आप अपना प्रतिशोध कारागार में लेकर कैसे लेंगी देवी पौलमी? आप कृपा कर इसे देवराज इंद्र तक पहुंचा दीजिए। बस इतनी सी बात है। ब्रह्मदेव, हमारी अनुपस्थिति में हमारी पत्नी पर इस प्रकार का अन्याय आप सब कैसे कर सकते हैं? देवी पौलमी ने कुछ अनुचित नहीं किया, उन्होंने तो अपने गुण धर्म का पालन किया, और अपने धर्म का पालन करना कोई अपराध नहीं है। ब्रह्मदेव, हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि तत्काल ही देवी पौलमी को कारागृह से मुक्त किया जाए। ये तो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। ये तो दुविधा का विषय है, अब ब्रह्मदेव क्या करेंगे? देवराज इंद्र, बिना वस्तु स्थिति को ज्ञात किए किसी भी निर्णय पर पहुंचना कदापि उचित नहीं है। देव सभा की गरिमा बनाए रखे, अन्यथा इसे देव सभा के नियमों का अपमान माना जाएगा। ब्रह्मदेव, आपको जो मानना है मान लीजिए, किंतु मेरी धर्म पत्नी को मुक्त कीजिए। देवराज इंद्र, संयम रखिए, हमें विचार करने के लिए थोड़ा समय दीजिए। यस यस यस। वैसे रुद्राक्षी बेटा, कल तुम क्या नाची बेटा, वाह मजा आ गया, लोग तो बस देखते रह गए। हाँ वो तो ठीक है बाबूजी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा, नचाया तो हमने था, है नहीं माधुरी, जब हम बाबा बने थे, है? अरे अरे बाबूजी, आपको तो याद होगा ना, जब हम बंगाली बाबा बने थे तो यहाँ आए थे ना, याद होगा ना, घर पर आए थे, यहाँ आए थे, वहाँ बैठे, यस यस याद है। अरे इतना रेडियो, रेडियो बाबा, हाँ याद है आपको, हाँ रेडियो बाबा बनकर ऐसा नचाए थे, ऐसा नचाए थे, ऐसा नचाए थे कि लोगों का मतलब हमारा आशीर्वाद कम पड़ गया था, लोगों की लाइन ज्यादा हो गई थी, ऐसा क्या बात है। अरे बाबूजी, हम आपको कहा बताएं, इन पे तो इतना पागलपन सवार था ना कि इनको देखा देखी इनके सारे के सारे भक्त पगला गए थे बिल्कुल। पापा, इतने दिनों से आप कहीं बाहर नहीं गए, क्यों ना आप कहीं घूमने जाओ? नॉट अ बैड आईडिया। अगर बाहर ही घूमने जाना है तो सब लोग साथ चलते हैं ना, बड़ा मजा आएगा। हम चलेंगे ना। अमेरिका चलते हैं बेटा। नहीं, क्या है कि अब हम बड़े तुम्हारे साथ चलेंगे तो क्या फायदा क्या है बेटा, तुम दोनों घूम आना। कल ही तो तुम्हारी शादी हुई बेटा, तुमको एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त अकेले तो बिताना चाहिए। हाँ पापा, आप और मम्मा बाहर हो क्या? मैं यहाँ पे दादू के साथ खेलूंगी। अरे जाओ ना आप लोग, ताकि मैं यहाँ पे अपनी मस्ती शुरू कर पाऊँ। धैर्य बाबू, हुआ ये ना, हम लोग तो यही घर में पिकनिक मना लेंगे, और क्या नहीं। हम तो यही पिकनिक मना लेंगे। अब आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो हम मना कैसे कर सकते हैं?
ठीक है, हम लोग कहीं घूम के आ जाते हैं, यहीं कहीं। हाँ तुम एक काम करो, जाके फटाफट तैयार होके आ जाओ। हम हैं देवराज इंद्र। प्रणाम देवेश। देवी, हम इंद्र महल पहुंचे तो हमें सूचना मिली कि आपको यहां बंदी बना दिया गया। ऐसा क्या हुआ देवी? देवेश, इन्हें अपनी त्रुटि का आभास हो इसलिए मैं इन्हें देवलोक के सबसे कठोर कारागृह में भेजता हूं। असुर राज, असुर कन्या होने का दंड हमें पुनः मिल गया। अब हम क्या करें? हम तुम्हारी सहायता करेंगे। अब युद्ध ही अंतिम विकल्प है। असुरराज और देवी पौलमी देव सेना से युद्ध में पराजित भी हुई है, इसलिए असुरराज और देवी पौलमी अनिश्चित काल के लिए कारागृह में डाला जाता है। अब आप ही बताएं देवेश, हमने ऐसा क्या किया जो हमें इतना कठोर दंड दिया गया? क्या हमने अपने धर्म का पालन कर कुछ अनुचित किया? अब शांत हो जाओ। हमने ब्रह्मदेव को पत्र लिख दिया है, शीघ्र ही आप दोनों को यहां से मुक्त कर देंगे। नहीं देवेश, सभा के निर्णय को परिवर्तित करना इतना सरल कार्य नहीं है। आपको उनके निर्णय को तर्क देकर अनुचित सिद्ध करना होगा, तभी हमें मुक्ति मिलेगी। देवी, हम देव सभा में कैसे जा सकते हैं? यदि हम वहां गए तो देवगण असुर लोक पर आक्रमण करने के लिए हमें बाध्य करेंगे और फिर हम युद्ध को नहीं टाल पाएंगे, क्योंकि असुरों ने अपराध तो किया है। शरणागत की रक्षा करना अपराध के किस श्रेणी में आता है देवराज? देवराज, आप देवतागण अपनी सुविधा अनुसार नियम बनाते हैं, यही नहीं हमारे कृत्य को अनैतिक घोषित कर जब वो कृत्य स्वयं करते हैं तो उसके लिए तर्क गढ़ लेते हैं। असुरराज, जीवन के कल्याण को ध्यान में रखकर नैतिकता और अनैतिकता का निर्धारण करते हैं। असुरों के भांति अपने स्वार्थ के लिए नहीं, किंतु हम भी ये आपसे क्यों कह रहे हैं? आप तो स्वयं देव हैं, जो देवताओं के ही पक्ष में बोलेंगे। अपनी पत्नी की सहायता का समय आया तो आप नैतिकता का प्रसंग उठा रहे हैं, जबकि स्वयं आप यहां वेश बदल कर आए हैं। इस प्रकार तो आपने भी देवलोक के नियमों का उल्लंघन किया है, तो देवराज अब कहां गई आपकी नैतिकता? असुरराज, व्यर्थ की बातें ना कीजिए। देवी,
हम शीघ्र ही आप दोनों को यहां से मुक्त करने का कोई प्रबंध करते हैं। के साथ इस जगह संतोषी के बदले में आज मैं होती, लेकिन संतोषी ने मेरे सारे सपनों को चूर चूर कर दिया। मुझे पता है तुम भी अपने पापा को बहुत मिस कर रहे हो, पर चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी जिंदगी की सारी खुशियां उससे छिन जाएगी। और ऐसा तब होगा जब रुद्राक्षी और संतोषी अलग अलग होंगे। पर ये कैसे पॉसिबल होगा मॉम? पॉसिबल होगा कृष्णा, और ये काम ये बॉल करेगी। मॉम, लगता है फिर से आपका दिमाग खराब हो गया। कुछ भी सोचने से पहले हमारा प्लान तो सुन लो। तृष्णा, इस बॉल में बम है जिसका रिमोट कंट्रोल कामनी के पास रहेगा, और जब ये बॉल रुद्राक्षी के पास पहुंचेगी मैं यहां से रिमोट का बटन दबा दूंगी। तुम्हें बस अचानक से उसके सामने आ जाना है ताकि उसका ध्यान भटक जाए और वो उसकी शक्तियों का प्रयोग ना कर पाए। मॉम, किसी ने सही कहा था, माँ और बेटी का रिश्ता सबसे पक्का और सच्चा होता है। आई लव यू मॉम। आई लव यू टू। बेटा, दादू को ज्यादा तंग नहीं करना हुँ? और अपना और दादू दोनों का ख्याल रखना, और कुछ परेशानियां तो हमें फोन कर लेना। मामा, आप जल्दी मत आना और खूब एंजॉय करना। और बेटे, तुम दोनों काम की चिंता बिल्कुल मत करना और रुद्राक्षी की भी टेंशन मत लेना। हम रुद्राक्षी का ख्याल रखेंगे और रुद्राक्षी हमारा। हाँ दादू। और बेटे हाँ, एक बात मत भूलना तुम के जब बस 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 पापा, हो गया, बहुत हो गया, हम समझ गए, हम जल्दी वापस नहीं आएंगे। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए वरना हम लेट हो जाएंगे। रुद्राक्षी जब से हमारी जिंदगी में आई है हमारी जिंदगी बदल गई है। सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना, पर वो जब आसपास होती है तो हमारे पास परेशानी भी नहीं आती। बच्चे होते ही खुशियों का खजाना है। सही कहा तुमने। अच्छा अब चले, इससे पहले कोई और आ जाए इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें चलना चाहिए। चलो बेटा अंदर। देवी पौलमी निरंतर हमारी भक्त को कष्ट प्रदान कर रही है। नारायण नारायण, सत्य कहा आपने माती, सत्य कहा। और देवराज इंद्र, उन्हें क्या हो गया है? उन्होंने उन्होंने देव सभा में इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया? कदाचित कदाचित देवी पौलमी ने उन्हें अनुचित संदेश तो नहीं भेज दिया? चाहते हैं, किंतु किंतु पात्र वाहक तो हम ही थे, परंतु हम उनका संदेश नहीं पढ़ सकते थे। हमें लगता है देवराज इंद्र को अवश्य ही कोई भ्रांति हुई है, इसलिए हमें देवराज के पास सही सूचना भिजवानी होगी। आप सत्य कह रही हैं देवी संतोषी, उचित संदेश पहुंचने से हमारी चिंता भी समाप्त हो जाएगी। उत्तम,
अति उत्तम विचार है ये, और इसीलिए स्वयं परम पूज्य पिताश्री ब्रह्मदेव ये कार्य कर रहे हैं। और इस विषय पर कोई भी निर्णय लेना उन्हीं के वश में है। आशा करते हैं संदेश भेजने के पश्चात सब कुछ उचित हो। प्रणाम महादेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। महादेव, देवराज इंद्र ने देव सभा के नियमों के विरुद्ध जाकर उचित नहीं किया है। अब आप स्वयं बताइए कि आगे क्या करना है। पत्नी मोह के कारण देवराज इंद्र उन्मत्त हो गए हैं, इसी कारण उन्होंने देव सभा की मर्यादा का स्मरण भी नहीं किया। परंतु आप चिंतित ना हो ब्रह्मदेव, देव सभा में लिए गए निर्णय का ही पालन होगा, और यदि देवराज इंद्र ने उसके विरोध में कुछ किया तो उस घटना की जांच मैं स्वयं करूंगा।